कभी कभी क्या होता है, आपका गाड़ी का बास या ट्रक का स्टीयरिंग जाम होने लगता है या जाम महसूस होता है। जब आप रनिंग गाड़ी में रहते हैं तो उस समय अगर स्टीयरिंग जाम महसूस हुआ तो उसको फ्री करने के लिए आपको वर्कशॉप या गैरेज में ले जाने का जरूरत है गाड़ी को, तब जाके स्टीयरिंग फ्री हो जाता है। तो हम आपको इस वीडियो में ऐसा कुछ टिप्स बताएंगे जिसमें आप इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे गाड़ी आपका बास या ट्रक चल रहा है उसी समय अगर आपका स्टेयरिंग जाम हुआ तो आप इजीली वो ट्रिक को अप्लाई करके स्टेयरिंग को फ्री कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जाने के पहले आपको बता दें, स्टेयरिंग जो होता है गाड़ी में, जैसा बास या ट्रक सेक्शन में जो स्टेयरिंग होता है वो हाइड्रोलिक असिस्टेड मैकेनिकल स्टेयरिंग होता है। तो उसी स्टेयरिंग को जाम होने का बहुत सारे कारण भी रहते हैं। नॉर्मली जो जो कारण रहते हैं वो है, आपको कभी किंग पिन जाम हो जाते हैं, टायर में जो हवा बहुत ही कम रहता है या टायर अंडर इन्फ्लेशन रहते हैं और किंग पिन का जो बेयरिंग है वो जाम हो जाता है, या उसमें ग्रीस जो नहीं रहता है उसके लिए जाम हो जाता है, या आपको पावर स्टीयरिंग का ऑयल कम रहने से भी होता है, और पावर स्टीयरिंग के गियर बॉक्स जो है वो अगर बराबर फंक्शन नहीं करेगा, या आपको पावर स्टीयरिंग का जो वेन पंप है वो फंक्शन नहीं करेगा, तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट रनिंग कंडीशन में मैक्सिमम तर जो प्रॉब्लम होते हैं जिसके लिए हमारा स्टीयरिंग जाम होता है उसको लेके हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आई होप इस वीडियो को फुल देखने के बाद आपको स्टीयरिंग जो रनिंग कंडीशन में पावर स्टीयरिंग जाम होता है उसका बारे में बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। वो टिप्स को फॉलो करके स्टीयरिंग को फ्री कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। तो स्वागत करता हूँ आपको चैनल ऑटो एक्सप्रेस में, और मैं हूँ सुरजीत। इसी तरह आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं ऑटो एक्सप्रेस 1 के नाम से, एंड इंस्टाग्राम में ऑटो एक्सप्रेस 10 के नाम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आपका गाड़ी का स्टेयरिंग ज्यादा जाम हो रहा है या हार्ड महसूस हो रहा है तो उस समय क्या करना चाहिए, आपको केबिन का जो आगे का जो ग्रिल है उसको जस्ट ग्रिल को ओपन कर लीजिए। ग्रिल ओपन करने के बाद आप देखेंगे वहां पे स्टेयरिंग ऑयल रिजर्वर मिलेगा आपको, उसमें फास्ट आप चेक करें जो ऑयल लेवल बराबर है कि नहीं, यानी ऑयल लेवल जो है मैक्सिमम मिनिमम के बीच में रहना चाहिए। अगर ऑयल लेवल परफेक्ट है तो सिंपली आप स्टीयरिंग रिजर्वर जो है उसका कैप ओपन कीजिए, पीला वाला जो कैप है उसको ओपन कर लीजिए। पीला वाला कैप ओपन करने के बाद आप देखेंगे एक स्क्रू है जो स्प्रिंग लोडेड है, तो सिंपली स्क्रू ड्राइवर लेके स्प्रिंग लोडेड जो स्क्रू है उसको रिमूव कर लीजिए, यानी स्क्रू को लूज करके उसको धीरे धीरे निकाल लीजिए, क्योंकि स्क्रू स्प्रिंग लोडेड है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए जो स्क्रू है वो नीचे डब्बा में ना गिर जाए ऑयल के अंदर। जैसे आपका स्क्रू धीरे धीरे निकल गया, स्क्रू निकालने के बाद आपको स्प्रिंग आ जाएगा, स्प्रिंग निकाल लीजिए आराम से। स्प्रिंग निकालने के बाद आपको बॉक्स के ऊपर एक पतला सा प्लास्टिक एक कवर रहता है उसको निकाल लीजिए। उसको निकालने के बाद आप देखेंगे अंदर स्टीयरिंग ऑयल फिल्टर है, सिंपली दो हाथ से वो स्टीयरिंग ऑयल फिल्टर को बाहर निकाल लीजिए। स्टीयरिंग ऑयल फिल्टर बाहर निकालने के बाद आप चाहे तो उसका एक तरफ हाथ के ऊपर रख के दोनों तरफ से फूं मार के देख सकते जो स्टीयरिंग ऑयल फिल्टर जो है वो जाम है कि नहीं, यानी एयर पास हो रहा कि बराबर नहीं है। तो सिंपली उसको अगर चेक नहीं करने का तो कोई टेंशन नहीं है, आप सिंपली स्टीयरिंग ऑयल फिल्टर जो है उसको बाहर निकाल लीजिए, और सारे जो पार्ट्स जो था जैसा स्प्रिंग था और प्लास्टिक का जो प्लेट था अंदर और स्क्रू जो है वो वापिस जैसा था वैसा आप टाइट कर दीजिए, और स्टेयरिंग ऑयल रिजर्वर का जो कैप है वो बिल्कुल अच्छा टाइट कर दीजिए। तो जैसा आप स्टेयरिंग ऑयल रिजर्वर का अंदर से जैसा फिल्टर निकाल लेंगे तो स्टेयरिंग आपको तुरंत फ्री हो जाएगा, आप चला के महसूस भी कर सकते हैं। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि स्टेयरिंग ऑयल फिल्टर में जो फिल्टर रहता है वो रिटर्न लाइन में रहता है। तो जैसा हमारा पंप स्टेयरिंग ऑयल का जो पंप है वो पंप ऑयल प्रेशराइज करके सिस्टम में भेज रहा है, बट वो ऑयल रिटर्न नहीं आ पा रहा है, तो क्या हो रहा है, स्टेयरिंग सिस्टम ऑयल के कारण जाम हो जा रहा है। तो जैसा हम लोग फिल्टर निकाल दिया तो स्टेयरिंग ऑयल बराबर सर्कुलेशन होगा और आपको स्टेयरिंग जो है वो फ्री हो जाएगा। बट ये परमानेंट समाधान नहीं है कि स्टेयरिंग ऑयल निकल के हम गाड़ी को चलाएं। तो जैसा इमरजेंसी कंडीशन में है तो आप स्टेयरिंग ऑयल का फिल्टर ऐसा निकल के आप स्टेयरिंग को फ्री कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रनिंग कंडीशन में आपका स्टेयरिंग ऑयल फिल्टर जो है वो जाम होने के कारण आपका स्टेयरिंग जाम महसूस होते हैं। तो सिंपली आप स्टेयरिंग ऑयल फिल्टर निकल के आप गाड़ी को जो स्टेयरिंग हार्ड था वो स्टेयरिंग हार्ड को फ्री कर सकते हैं।
आई होप इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, जो रनिंग कंडीशन में अगर बस या ट्रक में स्टेयरिंग जाम होते हैं तो उसी कंडीशन में हमको खुद से क्या करना चाहिए, तब जाके स्टेयरिंग फ्री हो जाता है। तो ये 2 मिनट का टिप्स आपको अगर साथ में कभी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर अप्लाई करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए जो ये टिप्स कैसा लगा। आई होप इस वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, और ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारा चैनल के साथ, और चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। Thank you for watching the video.